बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर कहाँ जा रहे हो? पैसों पर बकबक नहीं चलेगी, सब तय करके आए हो ना। चाय पानी मैं अलग से लेती हूँ। कौन हो तुम? यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। तुम्हें गुल्लू ने भेजा है? वो मोटा? हाँ। अच्छा तरीका निकाला मुझे जलील करने का। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी गुलजार और गुल्लू। तुम क्या यहाँ बुद्ध बनने खड़े हो? कुछ पूछा ना मैंने तुमसे? मैं बोलो। तुम्हारा गला खुश्क हो रहा है। पानी। उम्र तो तुम्हारी दूध पीने की है। इतनी सी उम्र में इतनी प्यास? फिल्में देखते हो? कल कहीं वो वाली फिल्म तो नहीं देखी तुमने? स्पाइडरमैन देखी थी, लेकिन कल नहीं, बहुत पहले देखी थी। स्पाइडरमैन, वो जो अपने हाथ से यूं करके जाल निकालते और दुश्मनों को उसमें जकड़ लेता है। नाम क्या है तुम्हारा? एहसन। एहसन जमाल। जमाल तुम्हारे अब्बा का नाम है? तुम्हारे अब्बा को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं। मिस्टर एहसन जमाल, मेरा नाम फरवा है।
फिर मिस्टर एहसन जमाल, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं शायद मेरी तरह किस्मत तुम्हें भी यहाँ ले आई। चलो किस्मत का रखा पूरा करो, कमीशन डबल। मैंने इनकार किया तो मेरा तमाशा बनाने के लिए तुम्हें यहाँ भेज दिया। बहुत ही कोई नीच घटिया। आप गालियां दे रही हैं? नहीं, गाली तो नहीं दे रही, उसे उसके पेशे से बुला रही हूँ। काम, प्रोफेशन। समझ गई मैडम। मैं क्या तुम्हारे स्कूल की टीचर या प्रिंसिपल नहीं हूँ मैडम? बैठो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। गुल्लू ने तुम्हें क्या कह के मेरे पास भेजा? कुछ भी नहीं। खुद आयो? जी। क्यों, यहाँ क्या होता है? ये मालूम करने आए हो तुम? नहीं। क्या मतलब? ये भी मालूम करने आया हूँ कि यहाँ क्या होता है। गाली जिसकी आवाज तक नहीं आई थी तुम्हें उसका पता है, लेकिन यहाँ क्या होता है ये नहीं पता तुम्हें? कहीं तुम रिकॉर्डिंग तो नहीं करने आए? नया धंधा शुरू कर रखे आजकल सबने, कैमरा लगा के रिकॉर्डिंग करना शुरू। नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस ये जानने आया हूँ कि यहाँ क्या होता है। यहाँ धंधा होता है? धंधा मतलब खरीदना और बेचना। यहाँ क्या बिकता? जो तुम खरीदने आए हो। मैं तो कुछ खरीदने नहीं आया हूँ। ज्यादा मत बनो। नहीं, मुझे मेरी अम्मी की कसम, मुझे नहीं पता यहाँ क्या बिकता है, तो मैं खरीदूंगा कैसे? यहाँ मैं बिकती हूँ, मुझ जैसी हर कमरे में बिकती है, जिसे या तो उसकी किस्मत यहाँ ले आई, किसी का भाई, किसी का शौहर और किसी का बाप। तुम्हारा बाप क्या करता है? खाते हैं, सोते हैं, शराब पीते हैं। जो टाइम बचता है उसमें अम्मा को मारते हैं। अगर अम्मा घर पे नहीं होती तो मुझे मारते हैं। मेरा बाप भी मुझे बहुत मारता। एक दिन तो इतना मारा कि मेरा हाथ ही काटा। अम्मा ने बचा लिया मुझे। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बचा पाई मुझे। फिर मैं यहाँ आ गई।
अपने बाप के साथ। जानते हो यहाँ क्या होता है हमारे साथ? यहाँ मैं भंबोड़ा जाता हूँ, नोचा जाता है, खाया जाता है, भूखे कुत्ते हमें खरीदते हैं। चीख चीख के रोना चाहती हूँ, लेकिन आवाज किसी वैशी कुत्ते की गुर्राहट से दब जाती है। आंसू पलकों पलकों तक पहुंचने से पहले बेबसी की आग में जल के धुआं बन जाते हैं। बहुत बुरी जगह है ये। शायद यहाँ पे रहने वालियां दुनिया की सबसे बुरी है। मैं अपना जिस्म बेचती हूँ, जिसे तुम जाने अनजाने में खरीदने आए हो, और मैं अपनी कीमत उसी बाप के दवा दारू पे लुटा दूंगी जिसने मुझे यहाँ पे हवस का एक इश्तेहार बनाकर बैठा रखा। मैं खुदकुशी कर लेना चाहती थी, मुझे याद आया, खुदकुशी तो वो करते हैं जो जिंदा। मैं तो कब की मर चुकी हूँ। यहाँ जुल्म होता है। जुल्म ये हैंगर में लटके कपड़े देख रहे हो? ये रोज धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, इस्त्री हो जाते हैं, लेकिन मुझ पे लगी ये कि मैल कभी साफ नहीं हो सकती। मेरी माँ यहाँ काम करती है। मुझे उन्हें बचाना होगा, यहाँ से निकालना होगा। क्या नाम है माँ? Thank you.
है, तैयार हो जाओ। Thank you.